हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको, आज हम लोग का स्पेशल मटन बन रहा है। तो अभी मटन का प्रिपरेशन चालू है, यहाँ पे सारे मटन का जो भी मसाला है वो प्रिपरेशन चालू है। और यहाँ पे लोग बैठे हैं, ये देखो, इसको देखो, ये ऐसे बैठे हैं। हेलो, से हेलो। तो अभी आगे वीडियो में बने रहिए, आगे आगे क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये आ गया है आज का शेफ। हेलो। तो अभी ये यहाँ पे सब मसाले रेडी है, तो अभी ये बनाने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या कितना दूर गया। ये देखो, ये लोग इधर गप्पा सप्पा कर रहे हैं, खाना कब बनेगा, कब खाएंगे, भूख लग रहा है। स्टार्ट है, अभी शेफ रेडी है बनाने के लिए खाना। सो इनको शेफ बोलने का मतलब ये है कि ये खाना अच्छा बनाते हैं, मतलब नॉन वेज तो ज़्यादा ही अच्छा, वेज तो पता नहीं, वेज तो पता नहीं, वेज भी अच्छा बनाते हैं। हाँ, मैं भूल गई थी, सॉरी। ये देखो कितना हो जाएगा अदरक। हाँ। और भी ये कौन सा मच्छी है? ये पोहरा। अभी मसाला एकदम रेडी हो चुका है, अभी मटन आएगा ना। हाँ। ओ खुशबू तो लाजवाब। और यहाँ पे है छोटा छोटा मच्छी। ये कौन सा मच्छी है? मछली। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, आप लोग समझ लेना। चलो खैर, अच्छी बात है। ये जो खुशबू है ना, इसमें मेरा पेट भर गया है, अभी क्या खाऊं मैं। ये इसमें सारे मसाले मिलाया जाएगा। अभी ये है कलर करने के लिए मिर्ची पाउडर, ये देखो। और यहाँ पे है मटन, जिसमें हल्दी, नमक और सरसों के ऑयल मिक्स होकर रखा गया है 2 घंटे से। और यहाँ पे है आलू, क्योंकि हम लोग आलू खाते हैं तो मटन में डालते हैं, बहुत सारे लोग डालते नहीं है। ये एक नया चीज़ है, पपैया। पपैया अभी आएगा, मटन में डालेंगे। तो देखते हैं पपैया मटन में डालते हैं कैसा लगता है टेस्ट। ये देखो मसाले का कलर, देखो भाई, ओ भाई, मसाले का आलू डालेंगे। सभी मटन और मसाला एक साथ मिक्स कर रहे हैं, अभी थोड़े टाइम में ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही मटन बनाने में। और यहाँ पे हो रहा है मच्छी। कितना देर हुआ मटन वगैरह इसको भी करें? अरे ये मटन के सामने साग की सब्जी क्या है? अभी ये मटन है, इसको कुकर में डालेंगे, क्योंकि मटन बॉईल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो अभी ऐसे बनाएंगे तो 2-4 घंटे लगेंगे इसके लिए। हाँ, ये देखो, ये पपीता। हाँ, ये मटन को जल्दी क्या बॉईल कर देता है, मतलब ज़्यादा कच्चा नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से पक जाएगा ये, बहुत। हाँ, और ये मटन को पका देता है एकदम अच्छे से। तो मेरे पक्ो मुझे पकाओ ना, तो मैं देखिए कर। तो आप जैसे कि देख रहे हो, इसमें आलू बिल्कुल नहीं डाला हुआ है, आलू इसमें डाला हुआ है, क्योंकि आलू जल्दी बॉईल हो जाएगा, पक जाएगा, और मटन टाइम लगेगा इसके लिए। आराम से एक तरह फिर बनने भाओ। ये है मटन बन चुका है, इतना सुपर है, इसका कलर इतना अच्छा है, ये देखो कितना यम। मैं तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, अभी खाना है, मटन के साथ रायता भी है और राइस है। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को देखो और कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। बाय बाय करो, कैसा लग रहा है मटन? कैसा लग रहा है? बाय बाय।